शासन के निर्देश के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को जून जुलाई व अगस्त माह की अवधि का निःशुल्क राशन वितरित किया जाना है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 30 जून तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल, तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य होगी। पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट करने की सुविधा 25 जून से 27 जून के मध्य उपलब्ध रहेगी। जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहे। वितरण के द्वितीय चक्र के दौरान अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी का वितरण 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सुनिश्चित किया जाएगा। चीनी वितरण के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अंत्योदय कार्ड धारक अपने मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन ने कहा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाए, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ इकट्ठी न हो और सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में SDM एवं नगरीय क्षेत्रों में DSO तदनुसार रोस्टर का निर्धारण करेंगे। COVID-19 महामारी के दृष्टिगत वितरण के समय प्रत्येक उचित दर की दुकान पर सैनिटाइजर, साबुन, पानी रखा जाए और हाथ धोने के उपरांत ही ई पास मशीन का प्रयोग किया जाए। उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि एक दुकान पर एक समय 5 से अधिक उपभोक्ता ना रहे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 2 गज की दूरी रखी जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि किसी उचित मूल्य विक्रेता द्वारा खाद्यान्न के वितरण में कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही खाद्यान्न वितरण की अनियमितता में संलिप्तता पाए जाने पर नामित ग्राम स्तरीय कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।